हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया भार्गव। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल काउंसलिंग। सेक्सुअल काउंसलिंग इज़ द टॉपिक फ्रॉम यूनिट 2 ब्लॉक 3 एमपीसीई 023, दैट इज़ एमएपीसी सेकेंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। सो आज हम समझने वाले हैं सेक्सुअल काउंसलिंग क्या होती है। इस वर्ड से ही बहुत सारे लोग भाग जाते हैं सुनते ही साथ कि ये क्या बात हो रही है। Since we are now on the process of becoming a great counselor, so हमें हर एक टॉपिक पे हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। When it comes to couple counseling, couple relationship की बात करते हैं तो sexuality is something which plays an important part in anybody's life when they are in a relationship. So इसके बारे में counselor जब भी बात करते हैं बहुत ज़रूरी है कि काउंसलर कंफर्टेबल फील करें, कपल्स कंफर्टेबल फील करें एंड अपनी जितनी भी क्वेरीज या मिथ्स उनके दिमाग में है या किसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन है उसको अपने काउंसलर से क्लियर कर सके। बट इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि काउंसलर्स जो इस लाइन पे थेरेपी करते हैं, सेक्सुअल काउंसलिंग करते हैं, दे शुड बी द ट्रेन्ड वन। आप कहीं से भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उठा के नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है इस चीज़ की, सो दैट ये एक एम्बेरसमेंट में ख़त्म ना हो फीलिंग, है ना, ना कपल की और ना ही काउंसलर की। इसका एक जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर इसको ठीक से नहीं हम समझा पाए अपने क्लाइंट्स को तो इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। और जब भी इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन काउंसलर के पास या कपल के पास होती है तो उनकी रिलेशनशिप भी सफ़र करती है। इसीलिए एक एक्सीलेंट ट्रेनिंग होना काउंसलर की बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं एंड किस तरह से आप उनकी हेल्प कर पाएंगे, आपको सबसे पहले उनको कम्फर्टेबल फील कराना होगा। जैक एनन की अगर बात करूँ तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ होनोलुलु में काम किया है। और इन्होंने एक मॉडल डिवाइस किया जिसे प्लिसिट कहते हैं और इसी मॉडल को एम्प्लीफाई भी किया। एम्प्लीफाई मतलब डिटेल में इसके ऊपर काम किया है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सेक्सुअल काउंसलिंग में उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए वो एक मॉडल के थ्रू बताया है जिसे बोलते हैं प्लिसिट, PLISIT। तो प्लिसिट का फुल फॉर्म क्या होता है इन्होंने ये भी बताया। पी से होता है परमिशन। अच्छा, मैंने पिंक से हाईलाइट किया मतलब ये एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पी से होता है परमिशन, जो एक्सप्लोरेशन फेज होता है इसको मैं डिटेल में बताऊँगी। LI का मतलब होता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। SS का मतलब होता है स्पेसिफिक सजेशंस एक्शन, जहाँ पे आप कुछ सजेशंस देते हैं क्लाइंट को, एंड देन इंटेंसिव थेरेपी IT। सो प्लिसिट के फोर सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है ये स्पेलिंग। तो पी से, फिर LI से, देन SS से, देन IT से। सो पहला अल्फ़ाबेट ही सिंगल है, बाकी सब डबल में आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू ईच एंड एवरी टॉपिक, इम्पोर्टेंस फॉर परमिशन, जो भी ये परमिशन वाला पी आया था इसके बारे में ये बता रहे हैं। तो जब भी आप काउंसलिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको कपल को ये बताना है कि यू कैन नॉट डू फोर्स सेक्स। आपको हमेशा पार्टनर्स को ये समझाने की कोशिश करनी है कि इसमें, क्योंकि दोनों पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो परमिशन के बिना एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ये चीज़ उन हर एक पार्टनर को पता होना चाहिए। इट शुड नॉट बी द फोर्स्ड वन एंड इट शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। अब नेचुरली चीज़ें होनी चाहिए। कुछ अजम्पशंस जो कपल्स जनरली अपने दिमाग में रखते हैं वो क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। बहुत इजी सेंटेंसेस में है, हर कोई समझ जाएगा। जैसे मैन आर ऑलवेज रेडी फॉर सेक्स, डू नॉट शो अफेक्शन टू अ मैन, ही विल एक्सपेक्ट सेक्स, परफॉर्मेंस इज़ वॉट काउंट्स फॉर मैन, लाइक दैट। तो ये स्टेटमेंट आप एक बार ही रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर नहीं आता है आपको कुछ, आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आया है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, अदरवाइज दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अ मैन हु हैज़ अ लोअर सेक्स ड्राइव देन हिज पार्टनर, देन यू मस्ट ऑर्गेज्म together. Men should know all about sex. Women expect men to know about sex. Women must wait for men to initiate. All gay men are promiscuous. Promiscuous matlab having several partners. So a large penis stimulate more
then a small one, then a man must have must take charge of sex. Having sex always ends in orgasm. Good sex always ends in orgasm, like this. So आप ये एक बारी कर सकते हैं. Most gay and lesbian partners adopt an active or passive positions in their sexual relationship. Good sex means the man always must have an erection, like this. So ये सारे कुछ ऐसे myths हैं जो लोग दिमाग में रखते हैं, या तो girls या फिर boys, लाइक मैन और वीमेन. तो ये इनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, हर एक स्टेटमेंट जो वो लेके आते हैं, या सारे के सारे एक बंदा नहीं लेके आएगा. अगर काउंसलिंग के लिए आए हैं तो वो कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे एंड देन काउंसलर से बोलेंगे कि हमने ऐसा सुना है, क्या ये सही है. तो आप इसका जवाब तभी दे सकते हैं जब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, अच्छी वर्किंग नॉलेज हो. तो दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग कि यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेक्सुअलिटी. मतलब बॉडी में किस तरह का इनका पूरा स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं ऑर्गन्स. सो जब आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से होगी तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं. एंड अगेन ट्रेनिंग इज सर्टेनली रिक्वायर्ड. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस फॉर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन. इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर सेक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सही से नहीं किसी को पता है और वो मिथ्स एंड टैबूज को लेकर आता है तो ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप अफेक्टेड है. वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. सो सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करना है, आपको उसको प्रोसेस भी करना है. मतलब जो भी आपको कहीं से आप पढ़ के कहीं से सुन के आ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आपको उसको एनालाइज करना है, आपको समझ रियलिटी जानने की कोशिश करनी है. आपको सिंपली पढ़ के एब्जॉर्ब नहीं कर लेना कि भाई जो लिखा है वो सही होगा, ऐसा करके नहीं करना है. सो ये आपको अपने क्लाइंट को समझाना है और ख़ुद काउंसलर को भी ये चीज़ पता होना चाहिए. सो बहुत सारे लोग बहुत चीज़ों के लिए क्लियर नहीं होते हैं एंड उनको ऑनेस्ट सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, या वो अगर होती भी है तो उनको कोई सही से समझाने वाला नहीं होता. जैसे कि कई बार होता है क्लाइंट आपके पास आएंगे, इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, वो आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आप रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे सेंसिबली. तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. इसीलिए सेक्सुअल काउंसलिंग में काउंसलर जो है उसको क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइंट कितना जानता है इस बारे में. और ये एक्सप्लोरेशन फेज होता है जहाँ पे हमें ये पता लगाना होता है कि क्लाइंट कितना जानता है एंड आप क्लाइंट के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर स्पेसिफिक सजेशंस. कुछ क्लाइंट जो होते हैं उनको तो फ़ायदा हो जाता है जो भी आप सजेशंस देते हो, एंड जो सजेशंस मिलते हैं उससे उनका एटीट्यूड और बिहेवियर भी चेंज हो जाता है क्योंकि उनको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है आपसे. बट देन कभी कभी क्या होता है, वो कोशिश तो बहुत करते हैं और जब तक वो खुद की बॉडी को एक्सप्लोर ना करें, सेल्फ इमेज के बारे में उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं. सो एक काउंसलर का काम है जो उनको ये समझाए कि इट इज़ योर बॉडी, यू शुड नो what is there in your body, and they can do it by touching, talking exercises and intercourse positions and all. तो बहुत सारा चीज़ होता है जो experts आप training में ये चीज़ें सिखाते हैं, जो sexual counseling की training देते हैं. हमें थोड़ा बहुत idea होना चाहिए कि किन किन lines पर आप बात कर सकते हैं without making anyone uneasy while you are telling them these things or trying to understand from them. So जो task होता है अगले सेशंस में आपको क्या करना है, वो ऐसा आपको देना है अपने क्लाइंट्स को जिसे क्लाइंट आराम से मैनेज कर सके और उस टास्क को अचीव भी कर सके. सो काउंसलर जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलर ना इनको डिफ्रेंशिएट करे दो चीज़ों को. आपको दो चीज़ें अब समझ में आनी चाहिए, सेक्सुअल थेरेपी अलग चीज़ होती है एंड सेक्सुअल काउंसलिंग अलग चीज़ होती है, और दोनों में डिफरेंसेस होते हैं. जिस तरह का आप टास्क देते हैं उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे भी थोड़ा बहुत समझेंगे कि क्या होता है. नाउ इम्पोर्टेंस फॉर इंटेंसिव थेरेपी. इंटेंसिव थेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, साइकोसेक्सुअल थेरेपी का ट्रीटमेंट प्लान अलग होता है, जो जहाँ पर हम डिसफंक्शन को ठीक करने की कोशिश करते हैं या डिसफंक्शन को हटाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल, या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो होती है साइकोसेक्सुअल थेरेपी. सेक्सुअल काउंसलिंग जो होता है ये सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही हम ठीक कर सकते हैं. कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? कपल्स के बीच में. सो तो ठीक हो सकता है. साइकोसेक्सुअल थेरेपी जो होती है ये
तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि काउंसलर ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है इस चीज़ में. सो इन अप्रोप्रिएट टास्क सेटिंग जो होती है, अगर आपने ढंग से नहीं की टास्क सेटिंग, मतलब आपने कोई थेरेपी में टास्क दिया कपल्स को करने के लिए और अगर वो सही से रिजल्ट नहीं लेके आता, नेगेटिव रिजल्ट उसके आते हैं, तो कपल्स ना फेलियर जैसा फील करना शुरू कर देते हैं एंड दोबारा वो स्टार्ट थेरेपी स्टार्ट करने के लिए विलिंग नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम. तो अगर ये सिंपल काउंसलिंग प्रोसेस में भी यही चीज़ होता है, अगर आप थेरेपी ठीक से नहीं देते हैं सो जो कपल्स हैं या फिर नॉर्मल एक आप इंडिविजुअल क्लाइंट भी आपके पास आता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और आगे वो नेक्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए नहीं जाएगा, आपके पास भी नहीं आएगा और किसी और के पास भी नहीं जाएगा, सोच के कि काउंसलिंग इज़ जस्ट नॉट फ्रूटलेस, उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है. तो हमें ऐसे कोई अगर क्लाइंट कपल्स को कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, क्योंकि हम कपल थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो अगर कपल्स को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आपको उनसे डिस्कस करना है एंड वो आपको क्लैरिफाई कर सके कि हमें समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ और आप बताओ, कुछ और टेक्निक बताओ. तो ओपन होना बहुत ज़रूरी है और ये कम्फर्ट जोन में जब तक नहीं आते कपल्स काउंसलर के साथ, ये चीज़ें नहीं हो सकती. और अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कपल्स रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं या नहीं हो रहा है उनका, नहीं हो पा रहा उनसे, सो आपको फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा और फिर से रीप्लान करना पड़ेगा कि अब उनको क्या टास्क दिया जाए सो दैट कपल ठीक से उसको निभा सके. सो इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज भी पॉसिबल हो सकते हैं कपल्स के बीच में, हो सकता है वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप इन अ गुड मैनर. सो आपको इनके इमोशनल इश्यूज को ध्यान देना है, समझने की कोशिश करना है कि कपल्स क्या कितना समझते हैं एक दूसरे को, और ये एक और क्या ये इशू सिर्फ इमोशनल है या फिर न्यूरोलॉजिकल इशू भी है या फिर कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस वजह से ये लोग आगे वो टास्क नहीं कर पा रहा है जो काउंसलर ने दिया है. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्सुअल काउंसलिंग जो आज हमने पढ़ा प्लिसिट. सो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी, एक बार आप सेल्फ रीडिंग ज़रूर करना जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए इस चीज़ के बारे में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.